नमस्कार, अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल लगभग 19 दिनों से चल रहा है। जो 19वां दिन है और यहाँ अभी अरविंद केजरीवाल के ऑफिस घर के सामने महज 1 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे 19 दिन से लगातार हड़ताल चल रहा है और हमारे साथ शिवानी जी हैं जो आंगनवाड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे और इनका हमने जब भाषण सुना उसमें से भी हमारे एक आध सवाल निकले, उन पर भी हम बात करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ से केजरीवाल के जी का घर माँ चंद मिनटों में आप पहुँच जाती हैं, क्या कोई समिति गठन की गई थी कि आपसे समझौता किया जा सके? हाँ, मैंने जैसा कि बताया कि 11 तारीख को जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उनकी तरफ से हमें एक लेटर आया है कि 21 फरवरी को जो मंत्री महोदय हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके साथ वार्ता के लिए दिल्ली सचिवालय 11:30 बजे आइए। लेकिन हम लोगों की ये शर्त है कि उस वार्ता में किसी भी अन्य यूनियन को, जैसा कि जो वो वार्ता का प्रस्ताव है उसमें C2 से जुड़ी हुई एक दलाल यूनियन को उन्होंने वार्ता में शामिल किया, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उल्टे वो आंदोलन को तोड़ने का काम, हड़ताल को तोड़ने का काम कर रही है, तो जाहिर तौर पे हम ऐसी किसी वार्ता में शामिल नहीं होंगे। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि 21 तारीख की वार्ता का हम बहिष्कार करते हैं अगर सरकार इसी तरीके का रवैया अपनाएगी। हम बिल्कुल वार्ता करना चाहते हैं लेकिन वार्ता द्विपक्षीय होनी चाहिए। एक दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जिसके नेतृत्व में 31 जनवरी से ये हड़ताल चल रही है और दूसरी सरकार के नुमाइंदे रहे, और अगर सरकार हमारी गैर मौजूदगी में किसी दलाल यूनियन के साथ कोई समझौता करती है तो हम एक तो उसका बहिष्कार करेंगे उस वार्ता का, उस समझौते को हम मानेंगे भी नहीं और हमारी हड़ताल तो जारी रहेगी। साथ ही 22 तारीख को हम एक चेतावनी महारैली निकालकर अरविंद केजरीवाल और तमाम दलालों को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे आंदोलन का फैसला चंद एक दलालों के साथ बैठकर किसी वार्ता की टेबल पर करेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये 22 तारीख को हमारी रैली प्लान्ड है अगर वो 21 तारीख को दलालों के साथ कोई वार्ता करते हैं। अच्छा, कोरोना में कहा जाता है कि कोरोना में सबसे एक अहम काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया था, उनको क्या इस पर, अब तो कोरोना का थोड़ा लहर कम है लेकिन उसके बाद कोई सम्मान, क्या कोई सैलरी में कुछ बढ़ाया गया था? कुछ भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि इतना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जाकर बोला है, जैसे कि ये कहना कि हमने 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे में दिए हैं, झूठ बात है। यहाँ तो मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, PPE किट्स नहीं मिल रहे थे। आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और आप पंजाब की जनता को भी भरमा रहे हैं कि आपने यहाँ पर कुछ बहुत बड़े झंडे गाड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगी 3 हेल्पर्स और 2 वर्कर्स की डेथ हुई है कोविड के टाइम में, जो हमारे पास आंकड़ा है। कॉम्पनसेशन तो दूर की बात है, सरकार और डिपार्टमेंट ने पीछे मुड़ के पूछा भी नहीं है। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स कह कह के आप आंगनवाड़ी कर्मियों को जो है लगातार उनका शोषण कर रहे हैं अपनी नीतियों के तहत, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल हर वार्ड में पिंक स्टेशन बना रहे हैं जहाँ पे महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है जहाँ पे बस महिलाएं ही हैं, इसमें नहीं लगता कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है? तुष्टिकरण तो क्या मैं बोलूँ, ये तो एक तरीके का जो सस्ते किस्म का लोकरंजकतावाद होता है, ये पार्टी लगातार वही करती रहती है, दक्षिणपंथी लोकरंजकतावादी पार्टी है ये। मेन बात ये है कि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि परसों जौहरीपुर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारी बहनें आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने गई थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारी मांगों का संज्ञान लीजिए। वहाँ आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, इनके छुटभैया नेताओं ने, इनके लुच्चे लफंगों ने हमारी बहनों के साथ मारपीट की, उनकी साथ बदतमीजी के, कपड़े फाड़े हैं, बाल खींचे हैं, जाति सूचक गालियां दी हैं। ये आम आदमी पार्टी के महिला सशक्तिकरण की असलियत है। आप क्या पिंक स्टेशंस बना रहे हो, आपकी सच्चाई तो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल में ही सामने आ गई है। हज़ारों औरतें घर के बाहर बैठी हैं, ये नदारद हैं, ये कभी गोवा कभी वहाँ के दौरे लगा रहे हैं पंजाब के। अब आप देखिए DCW जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है उसकी चेयरपर्सन है स्वाति मालेवाल, वो तो बड़े दावे करती रहती हैं औरतों के बारे में कि फलाना जगह ये बात हो गई, मैं संज्ञान में ले रही हूँ। 22,000 औरतें यहाँ पर बगल में तुम्हारे मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बैठी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर आपको इनको आकर, आप आ जाइए यहीं वार्ता कर लेते हैं, आए बात करें। तो ये सारे जो जुमलेबाजी है उसमें तो हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अरविंद केजरीवाल बेसिकली नरेंद्र मोदी के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो बड़े जुमलेबाज हैं, ये छोटे जुमलेबाज हैं, टक्कर मतलब
कांटे की है दोनों के बीच। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। इन्होंने बताया कि कैसे जो राजनीति है उसका चरम सीमा पे कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर महिलाएं इतनी सारी बैठी हुई हैं, उनकी न बात सुनकर एक तरफ से दिल्ली में पिंक स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, जो महिलाओं की समस्याओं पर सुनवाई करेगी। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा और दिल्ली के जनादेश के साथ, और हम हैं दीपांशु यादव, और अब कैमरे के पीछे साबिर अली। हमारे साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।